जाल फ्रॉम uaecompanyset.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप दुबई में या यूएई में अपनी कंपनी सेट कर रहे हैं। देखिए, इस टाइम एक बहुत सा ट्रेंड चल पड़ा है कि लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, और अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सबसे इजीएस्ट डेस्टिनेशन है वो है दुबई या यूएई। रीजन इज कि एक तो दिल्ली से या मुंबई से 3.5 घंटे की फ्लाइट है या 3 घंटे की फ्लाइट है, टाइम ड्यूरेशन को ज्यादा फर्क है नहीं, खाना पीना सेम है, जो इंडिया का खाना है आप यहाँ पे खाते हैं वो वही मिल जाता है। सो एवरीथिंग इज फेवरेबल ओवर देयर। मोस्टली वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग है तो आपको लैंग्वेज में बैरियर नहीं आएगा। हर चीज फेवरेबल है यूएई में या दुबई में, आई से कि कहाँ आपको कंफर्ट है आपको अपना बिजनेस सेट करना चाहिए। अगर आपका एक बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है और आप चाह रहे हैं उसको ऑफशोर्स में ले जाने के लिए, तो दुबई है या यूएई है, दैट बिकम्स अ मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन। इसके साथ साथ दुबई या यूएई आल्सो एक्ट एज अ हब फॉर यू टू डू अ पोर्ट ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आपने किसी और कंट्री से दुबई के पोर्ट में मंगवाया सामान और वहां से आपने इंडिया में या अदर कंट्रीज में सप्लाई किया। सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है अगर आप दुबई में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वो ये है कि आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी सेटअप हो जाता है। वी आर इन दिस बिजनेस ऑफ सेटिंग अप बिजनेस एंड वी नो कि कितनी जल्दी वहां पे बिजनेस सेटअप हो जाता है। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना है एंड विद इन फ्यू डेज, रादर आई वुड से कि विद इन 2-3 डेज बिजनेस सेटअप हो जाता है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। सेकेंडली है कि 100% ऑनरशिप है। फ्री जोन में तो 100% ऑनरशिप है, तो अगर आप फ्री जोन बिजनेस करना चाहते हैं तो 100% ऑनरशिप है, और मेनलैंड में भी कई कंपनीज आप 100% ऑनरशिप में काम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। थर्ड आई वुड से कि 100% रिपार्टेशन ऑफ कैपिटल है। मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट किया है दुबई में और आपने उसके ऊपर एक प्रॉफिट अर्न किया है, बट कुछ टाइम बाद आपको लगा कि मेरा बिजनेस नहीं जम रहा है या व्हाटएवर रीजन, तो आप अपना सारा कैपिटल और जो भी आपने उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया है आप वापस अपनी कंट्री भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नो रिस्ट्रिक्शन, नो होल्डिंग कि आप इतना पैसा आप वापस इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ आई वुड से कि एज ऑफ नाउ अभी तक ना तो वहां पे कोई कॉर्पोरेट टैक्स है ना इनकम टैक्स है। अगले साल से कॉर्पोरेट टैक्स आएगा बट एज ऑफ नाउ कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, खाली वैट है बट कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड आई वुड से कि जो वैट है वो भी रिस्पेक्टिव एरियाज में है। बहुत सारे ऐसे फ्री जोन्स हैं जिसमें कि वैट एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पोर्ट ट्रांजैक्शन है, खाली आपने किसी और कंट्री से सामान मंगवाया है दुबई में एक पोर्ट में वेयर हाउस में रखा है, फ्रॉम देयर यू आर सप्लाईंग इट टू अदर कंट्रीज, उसमें कहीं भी वैट है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें वैट है ही। बहुत सारे डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स हैं जहां पे वैट है ही नहीं। इसके साथ साथ ना ही इंपोर्ट टैक्स है ना ही एक्सपोर्ट टैक्स है। तो ये भी उनके एडवांटेज है कि अगर आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं दुबई में और दुबई से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप दुबई में इंटरनल माल नहीं सप्लाई कर रहे, अगर आप दुबई से इंपोर्ट कर रहे हैं और वहीं से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी कोई टैक्स, तो कोई टैक्स है ही नहीं, ना वैट है ना इंपोर्ट टैक्स है ना एक्सपोर्ट टैक्स है, अभी तक कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं है। इसके साथ साथ कोई वीजा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी कंपनी कैपेबल है, आपकी कंपनी में कैपिटल इंफ्यूज है, तो आप जितने मर्जी वीजा निकाल सकते हैं। वीजा की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी कंपनी में इतनी कैपिटल होनी चाहिए, या आपकी कंपनी में ये पर्टिकुलर एरिया है, ये इतना बड़ा रेंट पे हो या ये ऑफिस स्पेस हो, तो वो सब आप अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं तो आपको जितने भी नंबर ऑफ वीजा चाहिए वो मिल सकते हैं। यू हैव टू पे फॉर द वीजा कॉस्ट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वुड से वीजा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड ऑल्सो देयर इज एन अबंडेंस चांस दैट आप स्किल्ड लेबर्स हायर कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स हायर कर सकते हैं। सो ये सब एक एडवांटेज है अगर आप दुबई में या यूएई में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। सो यू गेट अ गुड स्किल्ड लेबर, गुड वर्कफोर्स, प्रोवाइडेड यू हैव टू पे फॉर दैट एंड यू कैन स्टार्ट। नॉट टू फॉरगेट, इसके साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस है फॉर ऑल योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सिंगल विंडो क्लियरेंस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक ही विंडो में आपको सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस हो जाती है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ के लिए अप्रूवल के लिए कभी इधर जाना होता है कभी इधर जाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कंपनी सेटअप करना बहुत आसान है, साथ साथ क्लियरेंस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, प्रोवाइडेड यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन भी कोई ज्यादा हेवी नहीं है।
सो दैट अगेन इज अ वेरी बिग एडवांटेज कि आपको हैसल नहीं है, कंपनी आराम से बन जाती है एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस है. लॉजिस्टिक एडवांटेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. ध्यान रखिएगा कि लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड अगर आपका कुछ प्रोडक्ट्स है तो लॉजिस्टिक एडवांटेज है ही है. गुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गुड पोर्ट्स है, साथ साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. तो फॉर लॉजिस्टिक बिग थम्स अप. एंड लास्टली आई वुड से बिग बिग थम्स अप फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दुबई और फॉर यूएई. बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है, बहुत ही वेल प्लान्ड कंट्री है. अगर आपको गुड सप्लाई करना है फ्रॉम दिस पार्ट टू अदर पार्ट, दैट इज डन इन अ वेरी फिजिकल वे, वेरी इजी वे. एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वर्क्स आर डन इन सच अ सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं. तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, आउटसाइड इंडिया कहीं सेटअप करना चाहते हैं, या एक न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं दुबई में या यूएई में, प्लीज कॉन्टैक्ट अस. नीचे आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं. मी एंड माई टीम विल गाइड यू एंड असिस्ट यू इन सेटिंग अप अ बिजनेस इन यूएई. देखिए, हम आपको गाइड कर सकते हैं बिजनेस सेटअप के लिए, बट बिजनेस प्लान आपका खुद का होगा. वी कैन ओनली गाइड यू कि आपको ये आपने बिजनेस सेटअप है तो ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी और इस तरह से आपकी अपनी कंपनी फॉर्म करेंगे. बिकॉज मुझे बहुत सारी क्वेरीज आते हैं, दे आर आस्किंग मी डिफरेंट क्वेश्चंस. सो कि हम ये बिजनेस सेटअप करें तो हमारे को क्या फायदा होगा. मैं वो नफा फायदा नुकसान नहीं जानता, बट मैं ये जानता हूँ कि आपकी अगर आपने अपने बिजनेस थॉट्स बनाए हुए हैं तो वी कैन हेल्प यू इन सेटिंग अप अ कंपनी इन दुबई और इन यूएई. आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ अबाउट कंपनी फॉर्मेशन इन दुबई, अबाउट डिफरेंट चेंजेस इन द लॉज ऑफ दुबई और इन यूएई, एनीथिंग रिलेटेड टू कंपनी फॉर्मेशन इन दुबई. आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर.